ओम गम गणपते नमः, ओम उमा महेश्वराय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित। वैसे तो प्रत्येक माह में दो गणेश चतुर्थी के व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में, परंतु भाद्रपद माह में जो गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसी गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था और इनके जन्मोत्सव के रूप में ही थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके पूरे 10 दिनों तक पूरे देश में गणेशोत्सव मनाया जाता है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2022 में गणेश चतुर्थी पड़ रही है 31 अगस्त बुधवार के दिन। वहीं चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त को ही दोपहर के 3:33 से और ये रहेगी 31 अगस्त के दोपहर के 3:22 तक। तो उद्याव्यापनी चतुर्थी तिथि 31 अगस्त को होने के कारण चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त बुधवार के दिन ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है कि चतुर्थी तिथि बुधवार के दिन बन रही, क्योंकि भगवान श्री गणेश का जन्म जो है वो बुधवार के दिन ही माना जाता है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश को ही समर्पित होता है और इस दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:58 से और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:44 पर। साथ ही दोस्तों, इस दिन चित्रा नक्षत्र होगा जो कि अत्यंत शुभ संयोग बना रहा है। इसके साथ ही इस दिन जो है रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग सुबह के 5:58 से रात के 12:12 तक रहेगा, अर्थात पूरे दिन रवि योग रहेगा। तो अगर आप गणेश स्थापना घर में करना चाहते हैं, गणेश जी को घर लाना चाहते हैं, तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में। साथ ही दोस्तों, अगर आप विशेष पूजा मुहूर्त की बात करें तो गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त बन रहा है दोपहर के 11:05 से दोपहर के 1:38 तक। ये पूरे 2:33 का मुहूर्त है, आप इस बीच में गणेश स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गणेश महोत्सव पूरे 10 दिनों का महापर्व होता है। गणेश चतुर्थी से लेकर के यह पर्व अनंत चतुर्दशी तक अर्थात पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है और अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन किया जाता है। परंतु अगर किन्हीं कारणों से आप पूरे 10 दिनों तक जो है गणेश जी की स्थापना अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गणेश विसर्जन 3 दिन पे, 5 दिन पे या 7 दिन पे भी कर सकते हैं। अगर आप तीसरे दिन गणेश विसर्जन कर रहे हैं तो आप करेंगे 2 सितंबर शुक्रवार के दिन। वहीं अगर आप 5वें दिन गणेश विसर्जन करना चाहते हैं तो गणेश विसर्जन करेंगे 4 सितंबर रविवार के दिन। वहीं 7वें दिन गणेश विसर्जन किया जाएगा 6 सितंबर मंगलवार के दिन। तो आप गणेश जी की स्थापना 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग पूरे 9 दिनों तक गणेश जी की स्थापना अपने घर में करेंगे वो गणेश विसर्जन करेंगे 9 सितंबर शुक्रवार के दिन। साथ ही दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से भी मना किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री गणेश ने एक बार क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया था, जिस कारण इस दिन जो भी चंद्र दर्शन करता है उस पे झूठे आरोप लगते हैं। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन गलती से चंद्रमा के दर्शन कर लिए, जिस कारण से उनपे मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है गणेश चतुर्थी। अब जिस दिन गणेश चतुर्थी है उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहां पे आपको गणपति जी की स्थापना करनी है उस स्थान को साफ कर लें, वहां एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इस प्रकार से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें कि जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। तो दोस्तों, भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए सबसे पहले भगवान श्री गणेश को विराजमान करके हाथ जोड़ के भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करें। साथ ही एक मंत्र बता देती हूँ, इस मंत्र को बोले ना, अगर मंत्र ना बोल पाए भगवान श्री गणेश से अपने घर में पधारने की विनती करें। भगवान आपकी पूजा स्वीकार करें और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, अगर आप मंत्र बोल पाए तो एक मंत्र बता देती हूँ। यह मंत्र है अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राण शरन्तु च, श्री गणपते त्वं सुप्रतिष्ठ
वरदे भवेताम। और उसके बाद आपको भगवान श्री गणेश की षोडशोपचार से पूजा करनी है, अर्थात भगवान श्री गणेश को स्थान बैठने के लिए एक पुष्प अर्पित करें, फिर भगवान को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, उसके बाद फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, भगवान को वस्त्र अर्पित करें, चंदन हल्दी कुमकुम रोड़ी अर्पित करें। साथ ही भगवान श्री गणेश का प्रिय होता है दुर्वा, दुर्वा अवश्य अर्पित करें, पुष्प और पुष्प माला अर्पित करें। भगवान श्री गणेश को सिंदूर लगाना अति शुभ माना जाता है, तो भगवान श्री गणेश को सिंदूर अर्पित करें, भोग अर्पित करें, भगवान का प्रिय मोदक या फिर अगर मोदक उपलब्ध ना हो तो आप लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं और भगवान को धूप दीप दिखाएं। साथ ही अगर आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो भगवान श्री गणेश की बाएं ओर अर्थात उनके उल्टे हाथ में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चावल या गेहूं के ढेरे के ऊपर आप जल से भरा कलश स्थापित करें, कलश में पंच पल्लव डालें और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें, नारियल के ऊपर मौली या लाल कपड़ा लपेट लें और कलश पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। इसके बाद इसी प्रकार से विधिवत आप कलश की पूजा करें। भगवान श्री गणेश के सामने पान के एक पत्ते पर एक सुपारी मौली से लपेट करके स्थापित करें। सुपारी को भी भगवान श्री गणेश का ही प्रतिरूप माना जाता है। अब आप उनकी भी विधिवत पूजा आराधना करें और भगवान गणेश के दाहिनी तरफ अर्थात सीधे हाथ के तरफ आपको घी का दीपक रखना चाहिए। भगवान श्री गणेश की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भगवान का प्रिय दुर्वा अगर हो सके तो जरूर अर्पित करें, भगवान को प्रसाद रूप में लड्डू या मोदक अर्पित करें। साथ ही तुलसी पत्र भगवान श्री गणेश को नहीं चढ़ाई जाती है तो तुलसी का प्रयोग आप पूजा में न करें। इस प्रकार से विधिवत पूजा आराधना के बाद मंत्रों का जप भी अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री गणेश का बीज मंत्र होता है ओम गम गणपते नमः, इसका आपको कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। साथ ही आप गणेश कवच या फिर गणेश चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आरती करनी चाहिए और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश से पूजा में हुई गलतियों के लिए त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे, भगवान कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना करें। अब जितने दिनों तक भगवान श्री गणेश आपके घर में विराजमान रहते हैं आपको सुबह शाम भगवान की विधिवत पूजा आराधना करनी है, भगवान को स्नान कराना है, भोग अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और आरती करना है। शाम के समय स्नान नहीं कराया जाता, शाम के समय सिर्फ भोग अर्पित करें और आरती करें। परंतु दोस्तों अगर किन्हीं कारणों से आप भगवान श्री गणेश की स्थापना अपने घर में नहीं कर पाए तो भी गणेश चतुर्थी के दिन आपको भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। साथ ही धन प्राप्ति के लिए इस दिन एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। आप सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना करें, भगवान श्री गणेश को प्रसाद रूप में गुड़ और शुद्ध घी अर्पित करें। अब दोस्तों इस प्रकार पूजा करने के पश्चात थोड़ी देर के बाद जो प्रसाद गुड़ और घी का आप अर्पित किया है इसको आपको किसी सफेद गाय को खिला देना है। ये उपाय बहुत ही अचूक बताया गया है। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्त परेशानियां दूर होती हैं, धनागमन के नए रास्ते खुलते हैं, जो भी विघ्न बाधाएं आपके काम में आ रही हैं उनका नाश होता है। दोस्तों अगर आपके हर काम में विघ्न उपस्थित होता है, कोई भी काम आसानी से पूर्ण नहीं होता, कितनी भी मेहनत कर ले काम में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, तो आप गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त हो ले, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको चार नारियल लेना है और इन चार नारियल की माला बना लेनी है। आपको एक मंदिर में जाना है, वहां पे भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा आराधना करने के बाद चार नारियल की माला अर्पित करनी है। उसके बाद भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, जिस भी काम के लिए आप ये कर रहे हैं वो आपको भगवान श्री गणेश के सामने कहना है और उसके बाद आपको सीधा घर चले आना है। इस उपाय को करने से जीवन में जो भी परेशानी होती है, जो काम में बाधाएं आ रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवार जनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।